टीम इंडिया के हरफनमौला हार्दिक पांड्या और सर्बियाई मूल की मॉडल तथा बॉलीवुड अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक के घर खुशियों ने दस्तक दी है। ये दोनों एक प्यारे से बच्चे के माता पिता बने हैं। हार्दिक पांड्या ने इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर किया है और ट्विटर तथा इंस्टाग्राम पर अपने बेटे की पहली तस्वीर प्रशंसकों के साथ शेयर की है। नताशा ने 30 जुलाई गुरुवार के दिन हार्दिक पांड्या के बच्चे को जन्म दिया। आपको बता दें 31 दिसंबर 2019 को हार्दिक पांड्या और नताशा ने अचानक सगाई करके सबको चौंका दिया था और अब सगाई के महज 7 महीने में हार्दिक पांड्या एक बच्चे का पिता बन चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर नताशा के गर्भवती होने की खबर भी दी थी। हार्दिक पांड्या के पिता बनने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने बधाई दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हार्दिक पांड्या के ट्वीट को रीट्वीट कर पांड्या दंपति को बधाई देते हुए लिखा, दंपति को बहुत बहुत बधाई और पांड्या जूनियर गर्मजोशी के साथ स्वागत। हार्दिक पांड्या ने अपने मासूम बच्चे का हाथ पकड़े हुए फोटो शेयर की है। आपको बता दें कि नताशा वही एक्ट्रेस है जो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे में नजर आई थी। हार्दिक ने हाल ही में बताया था कि कैसे हुई सगाई। हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान हार्दिक ने अपनी पहली मुलाकात और सगाई कैसे हुई इस बारे में बताया था। हार्दिक ने कहा कि वे दोनों सगाई करने जा रहे थे, उन्होंने इस बारे में अपने माँ बाप को भी नहीं बताया था। भाई कुणाल पांड्या को भी सिर्फ सगाई से 2 दिन पहले इस बारे में पता चला था। हार्दिक ने कहा कि उन्होंने अपने भाई कुणाल को कहा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मिल गया है जिससे वह प्यार करते हैं और उसके लिए वह पहले से बेहतर इंसान बन रहे हैं। हार्दिक ने कहा कि उनके परिवार वालों ने उनके इस फैसले से पूरा साथ दिया और कहा कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। नताशा से पहली मुलाकात पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि उनकी मंगेतर उन्हें पहले से यह नहीं जानती थी कि वह क्रिकेटर हैं और न ही किसी अन्य तरीके से। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के दौरान एक दूसरे के करीब आए। जब वे पहली बार मिले थे तो उस वाक्य को याद करते हुए हार्दिक पांड्या ने बताया कि नताशा ने रात के 1 बजे उन्हें हेट में देखा था। आधी रात को हेट, गले में चैन और हाथ में घड़ी पहनकर बैठे एक व्यक्ति को देखकर नताशा को लगा कि कोई अलग प्रकार का आदमी है। इस घटना की वजह से हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, फिर एक दूसरे को जानने लगे और डेट करने का निर्णय लिया और फिर 31 दिसंबर 2019 को हमने सगाई कर ली। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही अन्य खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।